और ये देखिए दोस्तों कितना मस्त बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों सब्जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सोनू फैमिली ब्लॉग चैनल में और मेरे ओर से प्यार भरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये देखिए सुबह के वक्त 10 बज रहा है दोस्तों, और आज के ब्लॉग में क्या रहेगा तो आपसे ब्लॉग वीडियो कर्ड में कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। तो चलिए आज के ब्लॉग में रहेगा क्या, सरसों डंठल का सब्जी बनाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग बारी दोस्तों, सरसों जहाँ लगाए हैं तो वहीं से डंठल वगैरह काट के लेके आएंगे दोस्तों। और ये देखिए थाली और चक्कू ले लिए हैं दोस्तों, और नदी उस पार ही जाएंगे दोस्तों। आप सभी पिछला वीडियो में देखे होंगे तो हम लोग को नदी उस पार ही जाना है दोस्तों। और इधर भी सरसों लगा हुआ है दोस्तों, बकरी यहाँ नहीं है डंठल उतना मस्त, तो नदी उस पार से हम लोग काटेंगे दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग बारी में मिलते हैं, सरसों वाला बारी में। और ये देखिए हम लोग नदी में आ गए हैं दोस्तों, और देखिए इधर का लोकेशन इस प्रकार है दोस्तों। और इधर भी देखिए कितना मस्त एकदम नदी में हरा भरा दिख रहा है दोस्तों। और ये देखिए हमको इसके ऊपर चढ़ना है दोस्तों, ऊपर खेत है यहीं पे सरसों लगाए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर, चढ़ते हैं दोस्तों और सरसों काटेंगे। चलिए खेत में पहुँचते हैं दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग सरसों खेत आ गए हैं, तो चलिए डंठल को काट लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये वाला है डंठल, तो इसको काटेंगे, इसको काटिए भी। और ये देखिए दोस्तों ये भी टूट जाता है एकदम कोमल कोमल है दोस्तों। तो चलिए डंठल को तोड़ लेते हैं, ये जी थाली में रखिए। और आज डंठल का सब्जी बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही मस्त लगता है एकदम। लीजिए इसको भी रखिए। चलिए दोस्तों देख देख के तोड़ते हैं डंठल को, कोमल कोमल तोड़ेंगे दोस्त। और गीता जी देखिए उधर तोड़ रहे हैं दोस्तों। और ये रहा दोस्तों देखिए कितना मस्त, तो चलिए इसको यहीं से तोड़ लेते हैं। और देखिए एकदम कितना मस्त मस्त है। और ये देखिए इतना हो गया, तो इतना में हो जाएगा, हम लोग पांच फैमिली हैं दोस्तों। चलिए लिम डंठा चलते हैं सीधा घर दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों हम लोग नदी में उतर रहे हैं, तो चलिए अब सीधा मिलते हैं दोस्तों घर। सरसों डंठल को ले लिए हैं, काट लिए सब्जी बनाने भर दोस्तों, और चलिए अब सीधा मिलते हैं घर, पहुंचते हैं दोस्तों। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे, तो आप सभी वीडियो में बने रहें। और ये देखिए नदी में झूठ है दोस्तों, हम लोग सरसों डंठल को लेके घर आ गए हैं। और ये रहा दोस्तों हम लोग का चूल्हा, तो चलिए। तो ये देखिए दोस्तों सभी डंठल को देखिए छील लिए इतना डंठल को, और पत्ता पत्ता को अलग निकाल दिए दोस्तों, तो पत्ता को नहीं बनाएंगे दोस्तों। चलिए पत्ता को साइड में रख देते हैं, चलिए डंठल को कैसे बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से छिलका उतार लेते हैं, और चक्कू की मदद से देखिए छोटा छोटा कट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए सभी को इसी तरह छिलते हुए इतना अच्छा निकला कट करेंगे दोस्तों। और आलू भी डालेंगे चार पांच पीस दोस्तों, और चार पीस टमाटर ले लिए हैं, धनिया वगैरह सभी ले लिए हैं। तो चलिए इसी तरह से छिल छिल के सभी को बनाते हैं दोस्तों, और कट पीस करते चलेंगे। और इसमें सन वगैरह निकलता है दोस्तों चोकला, चोकला को निकालते हुए कट करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार सभी डंठल को काट लेते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, सरसों डंठल का सब्जी बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए सभी को बना लेते हैं फटाक से दोस्तों, करो चलो। ये देखिए दोस्तों सरसों डंठल को सभी को फ्रेश करके बना लिए, और इतना आलू भी काट लिए हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ देखते हैं गीता जी धोएंगे दोस्तों, फटाफट धो लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए पत्ता पत्ता को फेंक देंगे दोस्तों, बैल सबको दे देंगे खाने के लिए। और इधर देखिए सरसों डंठल एकदम कितना मस्त एकदम तैयार हो गया है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हल्का सा पानी से धो देंगे दोस्तों। तो चलिए इसमें हम पानी देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों सरसों डंठल को धो लिए, आलू को भी धो लिए, और इधर देखिए खुशबू चूल्हा धरा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों चूल्हा में आग एकदम गीता जी धरा दिए हैं ठिठा के दोस्तों। और चलिए कढ़ाई को देखते हैं गर्म होने के लिए। ये देखिए दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया, तो चलिए गीता जी तेल छोड़ दे रहे हैं दोस्तों। और इधर देखिए दोस्तों सभी कुछ काट के तैयारी कर लिए हैं बनाने के लिए दोस्तों। मिर्चा है, लहसुन पत्ता, प्याज है दोस्तों, और ये तेज पत्ता है दोस्तों, और ये धनिया पत्ता, और ये टमाटर दोस्तों, और इधर रहा सरसों डंठल दोस्तों, और ये आलू रहा, और ये दोस्तों मसाला है तीनों का पिसा हुआ। तो चलिए तेल दे दिए तेल, तो तेल गरम हो गया, तो चलिए मर्चा को गीता जी छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, है। मर्चा और तेज पत्ता, चलिए प्याज को भी दे दीजिए, हो गया।
प्याज लहसुन का पत्ता है। तो चलिए धनिया बाद में डालेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों तड़का एकदम लाल हो गया। तो चलिए सरसों डंठल को देते हैं दोस्तों। देखिए गीता जी एक चम्मच दे रहे हैं। तो चलिए उसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं दोस्तों। आलू को देते हैं दोस्तों। कितना मस्त एकदम सब्जी भुंजा रहा है। तो सरसों डंठल से पानी छोड़ता है दोस्तों, वो उसी पानी से हमारा सब्जी ऑलरेडी भुंजा जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सब्जी एकदम मस्त भुंजा गया। तो चलिए टमाटर देंगे दोस्तों। पहले डालिए जी पिताजी। ये देखिए दोस्तों पहले टमाटर दे दिए। तो ये देखिए दोस्तों सब्जी भुंजा गया। तो चलिए मसाला गीता जी छोड़ दे रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों मसाला दे दिया। देखिए कितना मस्त कलर हो गया दोस्तों। तो चलिए इसको अच्छी तरह से एकदम भूनते हैं। तो चलिए भून लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हल्का पानी छोड़ेंगे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों सब्जी ऑलरेडी तैयार हो गया। तो चलिए धनिया पत्ता देते हैं दोस्तों। और ये देखिए कितना मस्त एकदम तैयार हो गया दोस्तों सरसों डंठल का सब्जी। और ये देखिए धनिया पत्ता गीता जी दे दिए दोस्तों। और एकदम टेस्ट एकदम बहुत अच्छा महक रहा है दोस्तों। बाबू को दीजिए जी। बाबू को थोड़ा सा दीजिए। बाबू चेक करेंगे। चेक करके बताओ बाबू कैसा है। बहुत ही अच्छा। तो बाबू चेक कर लिया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम लोग सब्जी को उतार लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सब्जी ऑलरेडी सरसों डंठल का सब्जी तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए उतार लेते हैं। और बाबू चेक कर कैसा लगा दोस्त। बहुत ही अच्छा। तो बाबू चेक कर लिया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए कितना मस्त है। और उधर देखिए भात बनाने के लिए अदहन दे दिए दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।